जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। धन्य भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैंने भाई, हमारा जो आपका जो वार्तालाप चल रहा है, हमारी बातचीत चल रही है, हमारा जो प्रेम संबंध आपका बना हुआ है, वो है रामचरितमानस का उत्तरकांड। उत्तरकांड में अभी महासत्संग परम प्रिय परम ज्ञानी काकभूषण जी और गरुण जी का जो संवाद है, जो सत्संग है, वो आपके सामने कुछ उसमें से जो है छाटा है, देखा है मैंने, उसको सामने आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा आपकी बातचीत आज कल होने लगी है कुछ दिन पहले से, तो थोड़ा सी और बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो टॉपिक है, हमारा जो अब मेन हमारा उद्देश्य है, वो है रामचरितमानस का आपको बताना क्या है क्या नहीं है, उसी का आपको वर्णन करना है। ये टॉपिक ले लिया थोड़ा सा मैंने, आपके साथ बातचीत कर लेते हैं। मेरे भाई, हमारा जो संसार में जो है ना, ये त्रियक योनि में जो हमको चीज़ दिखाई देती है ना, एक दिन नश्वर है, यहाँ से लोप होना उनका। अच्छा, ये बात तो हम अगर हम कहते हैं तो हमारा जो समाज है, सनातन धर्म कहता है, क्या बेकार की बातें करते हैं। हाँ, आज अमेरिका कहता है कि सूर्य की रोशनी कम हो रही है, अरबों साल के बाद इसका जो है ना विनाश हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। आप बताइए साहब। हाँ, ठीक कह रहे, ठीक है। हमारे वेद में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये कलयुग है, ये कलयुग है, और कलयुग में सबसे बड़ी विचित्र समस्या है कि हम अवगुणों का भंडार है, मन तन सब गलत भावनाएं हमारे। अब मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, आप पूजा करने बैठिए, आप साल दो साल तो ऐसे दस दर मन भटक गएगा तुम्हारे, इसकी कोई सीमा नहीं है, बड़ी मुश्किल से मन लगता है। हाँ, तो मैं ही मेरा मतलब कहने का है आपसे कि ये मन को भटकाने का जो भटका है ना, सबसे बढ़िया उपाय है प्रभु का, कोई भी। हम ये नहीं कहते आप इनका नाम लो, आप किसका नाम लेंगे किसका नहीं लेंगे, लेकिन कोई एक नाम ले लो, कोई भी, जिसमें आपकी आस्था है, जिसमें आपका विश्वास है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, एक नाम ले लो और उसको गुनगुनाओ। देखिए, चार पाँच घंटे ऋषि मुनि लगाते हैं, हजारों साल तपस्या करते थे, कोई बुरी बात नहीं है। आप चार घंटे लगा रहे हैं, पाँच घंटे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। आप कैसे भी भावांश ले रहे हैं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत तो इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोरे काज पर लिख देता हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ, निर्मल मन जन्म सो मोहि पावा, आप थोड़ी सी 24 घंटे 5 मिनट दे दीजिए, आपको ईश्वर के नाम से 5 मिनट दे दीजिए आप, लेकिन हो श्रद्धा के, विश्वास के। ऐसा नहीं है बैठ गए यहाँ चलना है वहाँ चलना है, ना 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 ना, बिल्कुल ध्यानस्थ होकर आप उसको बैठिए, 5 मिनट दे दे, 5 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, 24 घंटे में 1 मिनट दे दो प्रभु को, कल्याण ही कल्याण है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो इस मृत्यु के और जन्म मरण में जो दुख होता है उसी को दूर करने के लिए हुआ था। ये भगवान का नाम, ईश्वर का नाम जोड़ते हैं, ऐसे कैसे बचाइए? क्या आपको मृत्यु से आपकी मृत्यु भी हो जाए और आपको पता भी नहीं लगे जाए? जैसे हाथी के ऊपर फूल बरसाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, उसे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे हम इस मृत्यु चल चले जाए, बस यही भगवान के नाम लेने का है। जब चले जाओगे तो कोई बताने वाला नहीं है, जब आते हो तो उसके बाद खेल कूद में पड़ जाते हो, उसका ध्यान ही रहता आपका। तो हमारे इसमें अध्ययन किया है ना, सब चीज का उनका है, इसलिए भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में सबका बता हुआ है। बाकी तो जितना भी आप समझते हो ना, यहाँ पर जो भोग विलास, इससे लाखों गुना स्वर्ग में हैं। जिस भोग की आप इच्छा कामना करते हो, भोगों को करने हो, लाखों गुना, एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदरता वहां जाकर दिखाई देती है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद ही फिर आपको आना है। इस पर फिर चर्चा करेंगे अगले अपने एपिसोड में, तब तक के लिए ऐसा अपना जो हमारा प्रोग्राम है उसको लेते हैं। अच्छा, उसकी आगे जब आपने जो पहली की जो पाई थी कि जो कुछ हमारे भाई वगैरह हैं अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदे होते नहीं, नहीं क्या है इसमें क्या रखा है? अरे हाँ, संडे हुआ, मंडे रोज खाओ अंडे। अब किसी माँ से पूछ लो, तेरा अंडा ही तो है, ये निकाल के दे दे, बना लेंगे, है ना। दूसरी बात, कोई भी आदमी, आप चींटी को देखेंगे तो कोई मरना नहीं चाहता, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर चींटी जा रही होगी ना और देखता, अगर अच्छा अच्छा वैसे आपको पता नहीं लगेगा, कभी एक उंगली से यूं करके देखना, एकदम भागती है, वो छोटा जानवर है ना, वो मरने से वो भी घबराता है।
तो हमारे शास्त्रों में जो एक जो सतमार्ग में कोई जाना चाहता है ना, उसके भी क्या लेग पीस ले लो, आज क्या हो गया है, लेकर तो देखो, आपने लिया ही नहीं है, खीर फीर में क्या रखा है। जो सही चीज है, जो बढ़िया है, जो खाने में आनंद आने वाली है, उसको कहते हैं आप कोई चीज नहीं है। तो इस चौपाई के बाद, उसके बाद दूसरी चौपाई हमारी आती है, कल्प कल्प भर एक एक नरका, परहे ये दूसरे श्रुति कर तरका। ऐसे व्यक्ति जो हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। अच्छा, ये तो कलयुग है ना, ये चार तरफ से दुर्गुणों से भरा हुआ है। तो ऐसे मनुष्य जब जाते हैं ना, एक एक कल्प, ऐसे बंदे एक एक कल्प, अब कहते कल्पना है, ये कल्प नहीं, सत्य है। ये अमेरिका मानने लगा है, ब्रिटेन मान रहा है, ये चतुर्गी होता है ना, ये चतुर्गी एक जो चार हमारे होते हैं, सत्य कलयुग द्वापर त्रेता, ये चार बार, ये एक बार जो हो गया, ये से ऐसे ही जो है 27 बार जब घूम के आते हैं ना, तो उसको एक एक युग बनता है और वो होता है ब्रह्मा का दिन। तो कल्प में 27 बार ऐसे जब चलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और वो होता है कल्प। तो एक एक कल्प उसी योनि में, चीटे हो, मकोड़े हो, इसमें आप जा पड़े रहेंगे। और उसके बाद तो कल्प कल्प भरे एक एक नर का, पर ही जो दूसरे श्रुति कर तरका। तर्क विचार करने वाले, हमको ठगने वाले, हमको बेवकूफ बनाने वाले, जो हमको ठगने वाले, हमको बेवकूफ बनाने वाले, जो सतमार छोड़कर दूसरे को मार जाने वाले, ऐसे एक एक कल्प एक एक कल्प पड़े रहते हैं। ये कलयुग, कलयुग में विशेषकर कलयुग में है, और कलयुग में केवल नाम आधार है बस। इसको एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं मैं। कल्प कल्प भरे एक एक नर का, सीताराम जय सीताराम, परहे जो दूसरे सुत करे तरे का, सीताराम जय सीताराम। कल्प कल्प भरे एक एक नर का, सीताराम जय सीताराम, परह दूसरे स्रत कर तरका, सीताराम जय सीताराम। इसी के साथ जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अगले से फिर मिलेंगे।